आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेटनरी मेडिसिन लिस्ट के बारे में, जिसमें पेल फार्मा के कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो अब बात करते हैं पेल फार्मा के कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में कि ये अपने किस डिसीज में, कितनी डोज में और किस रूट के द्वारा लगा सकते हैं। करते हैं एनिसिफ एसफोर्ट के बारे में। इसमें सेफ्ट्रियोक्सन प्लस सिल्बेक्टम होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हो हेमोरहेजिक सेप्टिसी में, जिसे हम HS या फिर गलागोटू रोग बोलते हैं। गलागोटू रोग में ये काफ़ी असरदार इंजेक्शन है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक वाटर लंगड़ा बुखार में इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसे मस्टेटस में यूज़ कर सकते हो। RTI जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, नाक सिद्रों से लेकर फेफड़ों तक के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार की डिसीज़ के लिए आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ज्वाइंट और बोन इन्फेक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जोड़ों या फिर हड्डियों की किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है उसके लिए ये इंजेक्शन जो है वो आप अपने पशु को लगा सकते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे मेट्रिटिस हो गया, जिसे हम गर्भाशय की सोजस या फिर बच्चेदानी की सोजस बोलते हैं, एंडोमेट्रिटिस इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप पियोमेट्रा में इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी जो डोज है वो 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IM या फिर IV रूट के द्वारा आप अपने पशु को लगा सकते हो। मींस अगर ये 4.5 ग्राम का इंजेक्शन है तो आप इसे 400 से 450 kg वजन का जो पशु है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है एमकॉक्स, इसमें एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हो मस्टेटस में, जिसे हम थनेला रोग बोलते हैं। इसके अलावा आप रिटेन प्लेसेंटा में इसे यूज़ कर सकते हो। अगर पशु की जेर जो है वो अटक जाती है, ऐसी स्थिति में आप इसे यूज़ कर सकते हो। कफ सकोड में इसे यूज़ कर सकते हो। बसड़ों में उजले पीले दस्त में आप इसे लगा सकते हो। हेमोरहेजिक सेप्टिसीमिया जिसे हम HS या गलागोटू रोग कहते हैं उसमें भी ये यूज़ हो सकता है। नमूनिया में आप इसे लगा सकते हो। ब्रोंकाइटिस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप ब्लैक वाटर में इसे यूज़ कर सकते हो। लंगड़ा बुखार में ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक के तौर पे पशु को दिया जा सकता है। इसके अलावा आप अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है उसमें ये इंजेक्शन अपने पशु को दे सकते हो। इसकी जो डोज़ है वो आप 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आप IM और IV रूट के द्वारा आप अपने पशु को लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है बेस्ट OL बाउल्स, इसमें सेफिजाइम होता है और ओफ्लोक्सासिन होता है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर मस्टेटस के लिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हो। मेट्रिटिस में, गर्भाशय की सोजस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। डायरिया में ये इंजेक्शन आप अपने पशु को दे सकते हो, या बॉल्स जो हैं जो अपने पशु को दे सकते हो। नमूनिया में आप इसे यूज़ कर सकते हो, इन बॉल्स को। पायरेक्सिया जो लंबे समय तक चलने वाला बुखार जो 4 से 5 दिन या इससे भी अधिक समय में चलता है, ऐसी स्थिति में लंबे समय में रहने वाला बुखार जो है उसमें आप ये बाउल्स अपने पशु को दे सकते हो। ब्लैक वाटर डिसीज़ में आप इसका यूज़ कर सकते हो। HS में, गलागोंटू में भी ये आप अपने पशु को दे सकते हो एंटीबायोटिक के तौर पे। RTI में इसे आप यूज़ कर सकते हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, जो मूत्र और जनन अंगों की किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार की डिसीज़ है, उसमें आप ये बाउल्स अपने पशु को दे सकते हो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर पेट या फिर किसी भी तरह की आंतों की कोई इन्फेक्शन है या फिर उसमें कोई डिसीज़ है उसके लिए भी आप ये जो बाउल्स हैं वो अपने पशु को दे सकते हो। इसकी जो डोज़ है वो आप लार्ज एनिमल में 1 बाउल्स आप दे सकते हो दिन में 2 बार, और काफ गॉट एंड सीप में जो है आप 1.4 मीन्स आपने 1 बाउल्स का 1/4 भाग जो है वो अपने पशु को दे सकते हो दिन में 2 बार। तो ये थी हमारी वीडियो वेटनरी मेडिसिन लिस्ट के बारे में, जिसमें हमने पेल फार्मा के कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसी ही वेटनरी और पेटनरी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।